दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक विशेष हिदायत देना चाहता हूं। कि बनाना शेक जिसको बॉडी बनाने के लिए लगभग हर आदमी प्रयोग करता है, लेकिन ये बनाना शेक जो जिससे बनता है दूध और केला, इन दोनों को मिला के जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम में बहुत बड़े रोगों का कारण बन सकता है। इसका कारण है कि दूध और बनाना दोनों का कफ वर्धक नेचर होता है और जो हमारे छेदों को बंद करने का कारण बनता है, और छेदों को बंद करने से की वजह से कोई बीमारी शरीर में ऐसी नहीं है जो न हो सकती हो। बनाना शेक सिर्फ वो आदमी ले सकता है जो खूब पसीना बहता हो, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करता हो, लेकिन जो भी आदमी फिजिकल वर्क कम करता है, बैठने का काम ज़्यादा रहता है, और जो ज़्यादा चलना फिरना जिसका नहीं है वो बनाना शेक का प्रयोग ना करे। दूध के साथ जब बनाना शेक लेंगे तो अंदर हमारे भोजन जो है उसके पाचन क्रिया में रुकावट आती है, उससे हमारा जिगर फैटी हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिससे हार्ट की प्रॉब्लम भी हमें पैदा हो सकती है। इसके अलावा शरीर के जब डीपर ऑर्गन्स में ये चीज़ जाती है तो हमारे नाड़ियों के ऊपर भी अफेक्ट होता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ना और इवन पैरालिसिस, माइग्रेन, सर्वाइकल और जोड़ों के दर्द, इस तरह के रोग भी इससे पैदा होते हैं। दूध और बनाना को इकट्ठा मिला के लेने से हमें शरीर में शोथ सूजन जिसको बोलते हैं, उस संबंधी जितने भी रोग हैं वो सारे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हार्ड वर्क नहीं करता है, जिसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कभी भी दूध और केले का इकट्ठा सेवन ना करे। अलग अलग सेवन करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखती है, इसलिए इस पे पूरा ध्यान कंसंट्रेट करें, ध्यान करें। खाली वेट बढ़ाना स्वास्थ्य नहीं होता है। हम सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए ये सब काम करते हैं कि दूध और केला लेते रहेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। वेट के साथ साथ हमारे जो अंदर के सिस्टम हैं जिससे हमारी आयु पूरी होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उनका हेल्दी रहना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेस कमज़ोर रहेगा तो जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी जो शरीर है, वो लंबे टाइम हमारा साथ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पर सोचें कि कितना एक छोटी सी बात हमारे कितने बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, और जो कि लगभग आजकल रूटीन में कॉमनली हर आदमी कहता है कि दूध और केले खा लो तो उससे वेट बढ़ जाएगा, दूध और केले का जूस बना के पी लो तो उससे वेट बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। वेट बढ़ाना आसान है, वेट को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। वेट बढ़ाने के और भी बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं और भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं, और अगर हम अच्छी पौष्टिक डाइट समय पे लेते रहें, उसमें चाहे हम केले का प्रयोग कर लें, चाहे हम दूध का प्रयोग कर लें, तो भी वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा लेते हैं तो वेट तो बढ़ेगा लेकिन हमारे शरीर में भयानक रोगों की जड़ भी जम जाएगी और भयानक रोग पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाएं कि बनाना शेक का सेवन सिर्फ केवल एक ही कैटेगरी कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और नहीं तो ये बहुत बड़े दुखों का कारण बन सकता है। धन्यवाद।